हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो पे। आज हम बनाने जा रहे हैं काली मसूर दाल मखनी। जैसा कि आप जानते हैं कि रेस्टोरों में तो आपने बहुत बार खाई होगी, बट आज हम घर में बनाएंगे रेस्टोरों जैसी दाल मखनी। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा लहसुन, टमाटर, मिर्च, अदरक और प्याज। प्याज, टमाटर और लहसुन को हम मिक्सी कर लेंगे। हमें सिर्फ इन तीनों को ही मिक्सी करना है और जो हमने मिर्च और थोड़ी सी जो अदरक ली थी इसको हमें मिक्सी नहीं करना है। हमें बिल्कुल इसको छोटे छोटे पीसेस में या तो आप कर चॉप कर लीजिए। देखिए, ये दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है, या आप क्रश कर लें। तो चलिए अब दाल बनाते हैं। दाल बनाने के लिए आप जैसे डेली आप जो मसाले की दाल बनाते हैं आपको बिल्कुल वैसे ही बॉईल करनी है, तड़का नहीं मारना है। अभी सिंपल धनिया, मिर्च, मसाला आप जो भी डालते हैं वो सब कुछ ऐड करेंगे। गरम मसाला भी डालना है और नमक का ध्यान रखें। इसमें 3 सीटी लगाएंगे। 3 सीटी में अगर ये नहीं कुक होती है तो आप 1 सीटी और ऐड कर सकते हैं, बट ध्यान रखें दाल को ज़्यादा गलाना नहीं है, दाल बिल्कुल खड़ी रहनी चाहिए। तो चलिए अब हम फ्राई पैन में ऑयल गरम करते हैं। ये ऑयल गरम हो चुका है। गरम करने के बाद इसमें सबसे पहले हम डालेंगे मिर्च और जो हमने अदरक का पेस्ट छोटा सा बनाया था, थोड़ा सा बनाया था, वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम लहसुन प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक से जल्दी कुक हो जाता है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा मसाला, एज इट इज़, जैसे हमने पहले मसाले डाले थे दाल में बॉईल करते टाइम वही डालेंगे। बट ध्यान रखें मिर्च और नमक आप पहले भी डाल चुके हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर उसके बाद अच्छे से इसको बनाएंगे। करने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद पकाने के बाद हम डालेंगे इसमें क्रीम। क्रीम आपको सबसे लास्ट में डालनी है और ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमारा मसाला भी पका हुआ है और दाल भी ऑलरेडी कुक है। तो पहले इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लें, मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दाल। दाल को भी हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी दोनों चीज़ें पका चुके हैं अच्छे से। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसे ऊपर से डाल देंगे हरी धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए पूरी धनिया, आप तुरंत गैस ऑफ कर दें। ये देखिए रेडी हो गई। तो अब मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैंने इसको सर्विंग बाउल पे निकाल लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा चीज़ लिया है। आप चीज़ डाल सकते हैं, नहीं है तो आप क्रीम, अगर आपके पास आपने जो डाली थी थोड़ी सी बचा लें, आप लास्ट में गार्निशिंग के तौर पे डाल सकते हैं, या आप हरी धनिया भी डाल सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, लीजिए रेस्टोरेंट जैसी दाल मखनी घर पे रेडी है। आज का वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।